श्याम सुंदर मेरी बेटी रुक्मणी को लेने के लिए आए हैं। भक्तों, आज विधि विधान द्वारा रुकुम भगवान के रहिया के पास में आए, कहने लगे हे दीनों के नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे बेटा रुकुम ने अपने जिद ठान ली, इसके द्वारा ये सारी सेना का संहार हुआ। अब आप हमारे दरबार में चल करके हमारी बेटी रुक्मणी के साथ आप शादी कर लीजिए, हमारी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा। इतना भक्त सुनने के बाद में भगवान के कन्हैया और रुक्मणी को लेकर के भीष्म चले अलगपुर में आए हैं। बहुत पैसा परेशान है, 7-8 रुपया टिपन मिल रहा हूँ, लड़िया मिल रहा है। जब गंगापुर में आए बड़ा महाराज भीष्मक ने ब्राह्मणों को बुलाया और विधि विधान द्वारा आज रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में संपन्न हुआ है। बेटी रुक्मणी और कन्हैया खड़े हो जाओ, रुक्मणी और कन्हैया खड़े हो जाओ, जल्दी करो भैया, कार्यक्रम अपना। भाई एक मिनट, 3-3 लोग हैं, 4-4 लोग हैं भैया, अब काय खड़े हो जाते हैं, लौट बड़ो 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 हैं ये वो ये ठाड़े बड़ लली बड़ पैसा ले जी जी, ये तो तू लगी था जी जी के बंदे। अच्छा, हम हमने भरो था, तू ने कल थोड़ा भरो था जी जी के बंदे लग गए। ठीक है, दो लोग पैसा ले जा और क्या है, तो तू जाइए, रुक जाइए तब तक माता रहने के भगवान जी के बोल सुन। चलो अरे शिवानी बुखार संजनिया के लिए बंदे लगी है, तो क्या घर में दो कहते थे।